हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अपना सफ़र 786 में। व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे हैं, अपना बहुत ख्याल रख रहे हैं और पॉजिटिव सोच रहे हैं। व्यूवर्स, आज की इस टैरो का रीडिंग में हम देखने की कोशिश करेंगे आज शाम आपके पर्सन किससे और क्या बातें कर रहे थे आपके बारे में, उनकी करंट फीलिंग्स आज शाम आपको लेकर क्या थी, किस एनर्जी में थे आज शाम ये पर्सन। ओके व्यूवर्स, आपको बता दूं कि ये रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव लेवल पर है, टाइमलेस रीडिंग है और सभी जोडियक साइंस के लिए रहने वाली है और जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, इसलिए मेल फीमेल, मैरिड अनमैरिड सब इस रीडिंग को देख सकते हैं। ओके व्यूवर्स, हमने यहाँ आपके लिए कुछ कार्ड्स निकाल लिए हैं। बॉटम से हमारे पास आया है पार्टिसिपेशन एंड बाकी सारे कार्ड्स हैं मॉरेलिटी, लेजीनेस, द माइजर एंड द आउटसाइडर। ओके, तो यहाँ पर एक ऐसे पर्सन की एनर्जी मुझे नज़र आ रही है जो इंसान मैरिड है और इसकी मैरिड लाइफ सही नहीं चल रही है। ऐसा लगता है यहाँ पर कि इस पर्सन की अरेंज मैरिज हुई थी और यहाँ पर जिस पर्सन को ये पाना चाहते थे, जिससे ये शादी करना चाहते थे, जिसे अपना बनाना चाहते थे, इनके जो लवर्स थे ना, इनसे बिछड़ गए हैं और इस पर्सन की उनसे शादी ना होकर के किसी अदर पर्सन से हुई है और जिस पर्सन को ये बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। और इनके जो पेरेंट्स हैं ना, मुझे लगता है ज़बरदस्ती इस पर्सन की शादी कराई है अपनी पसंद से, इसलिए भी ये अपनी फैमिली से भी उखड़े रहते हैं और अपने जो भी इनके हस्बैंड या वाइफ हैं उनको भी ये वो सम्मान, वो रिस्पेक्ट, वो प्यार नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि ये पर्सन एक्सेप्ट ही नहीं कर पाए हैं उस पर्सन को अभी भी कि ये उस पर्सन के साथ में मैरिड हैं। तो ये पर्सन अपनी मैरिड लाइफ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है और आज शाम इसी को लेकर ये अपने फ्रेंड से बातें कर रहे हैं कि जिस पर्सन को ये पाना चाहते थे, जिस पर्सन को पाने के इस पर्सन ने ख्वाब देखे थे, वो पर्सन इसकी फैमिली को, इनके पेरेंट्स को पसंद नहीं आए हैं और कहीं और ये इस पर्सन की शादी करा दी गई है, जिसकी वजह से इस पर्सन के जीवन में दुख बना हुआ है। ये पर्सन बिल्कुल भी खुश नहीं है। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि ये ज़बरदस्ती का रिश्ता है जो इसको पर थोप दिया गया है, जो इसको निभाने के लिए मजबूर किया जा रहा है और ये पर्सन मजबूर है उस रिश्ते को निभाने के लिए। तो यहाँ पर ये पर्सन अपनी मजबूरी बयां कर रहे थे अपने फ्रेंड से। तो ये पर्सन लेज़ी हो गया है और इस पर्सन के जीवन में जो दुख है ना, इसको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे रहा है। तो ये पर्सन एक ऐसा पर्सन है जो अपनी पास की यादों में खोया रहता है, अपने पास लवर के बारे में सोचता रहता है और उसी को पाने की आज भी ख्वाहिश रखता है। और अगर ये पर्सन हमारे व्यूवर्स हैं जो इस वक्त इस रीडिंग को देख रहे हैं, तो ये जो भी आपका पर्सन है ना, ये आपको पाना चाहता है और आपके सपने अभी भी देख रहा है, बट ये पर्सन काफ़ी स्टक है, ये आपके लिए ज़्यादा कुछ नहीं कर पा रहा है। ये चाहता है करना, अपनी जो भी मैरिड लाइफ है उसे ख़त्म करके आपके साथ शादी के सपने देख रहा है और ये ख्वाब ख्यालों में ना आप ही को इमेजिन करते रहते हैं कि आप ही इनके हस्बैंड या वाइफ हैं। आज भी ये आपसे प्यार करते हैं, आपको पाने के सपने देखते हैं, बट यहाँ पर ना ये पर्सन सिर्फ और सिर्फ ख्याली पुलाव पका रहा है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ सपने देख रहा है। हकीकत में इसको कर पाना ना इस पर्सन के बस की बात नहीं है, क्योंकि ये अपने पेरेंट्स से बहुत ज़्यादा डरते हैं, उनके दबाव में रहते हैं। ये अपने ऊपर ना एक प्रेशर हर वक्त ही मौजूद जैसे होता है ना पाते हैं। तो ये पर्सन ना चाहते हुए भी अपनी पेरेंट्स की मानने के लिए मजबूर है और जो भी मैरिड लाइफ है उसे निभाने के लिए मजबूर है। ये चाहकर भी आपके लिए कुछ कर नहीं पाएगा, क्योंकि यहाँ मॉरेलिटी, लेजीनेस, द माइजर इस बात को इंडिकेट कर रहे हैं और साथ में हमारे पास द आउटसाइडर भी आ गया है। तो ये जो पर्सन है ना, सिर्फ और सिर्फ आउटसाइडर की तरह आपके इसके रिलेशनशिप को देखता है और कहीं ना कहीं खुद को मजबूर पाता है कि आपके लिए कुछ नहीं कर सकता। ऐसा नहीं है कि ये कुछ कर नहीं सकता है, ये बहुत कुछ कर सकता है आपके लिए। ये जिस रिलेशनशिप में है ना, उसे तोड़कर आपको कमिटमेंट भी दे सकता है, आपसे शादी भी कर सकता है, आपको अपना भी बना सकता है, अपनी फैमिली के अगेंस्ट भी जा सकता है, पर ये जाना नहीं चाहता है। खुद ही खुद को स्टक रखे हुए है। आपके लिए कुछ कर पाने की इस पर्सन में करेज नहीं है, हिम्मत नहीं है कि ये आगे बढ़ के आपका हाथ थाम सके, आपके लिए कुछ कर सके, आपके लिए स्टैंड ले सके, क्योंकि ये पर्सन अपनी शादी से पहले ही आपके लिए कोई स्टैंड नहीं ले पाया तो आज कैसे लेगा। अब तो ये मजबूर भी है एक तरह से देखा जाए तो, क्योंकि जिस पर्सन के साथ ये है उसके साथ भी अनजस्टिस ही होगा एक तरह से, तो उसके साथ सही नहीं होगा ये सब कुछ भी। तो ये पर्सन जानता है ये आपके लिए सिर्फ और सिर्फ सपने देख रहा है और रो रहा है, ये दिखाने की, प्रिटेंड करने की कोशिश कर रहा है कि आज भी आपसे प्यार करता है। अपने फ्रेंड्स से बैठकर ना ये यही सब बातें करते हैं कि ये अपने जो पास्ट लवर है ना, यानी कि हमारे व्यूवर से उनसे प्यार करते हैं और
अगर हकीकत में देखा जाए ना तो ये पर्सन प्यार नहीं करता बल्कि सिर्फ और सिर्फ बातें करता है। इस पर्सन में इतनी करेज ही नहीं है कि ये आपके लिए कुछ कर सके सिवाय बातों के। तो ये पर्सन देख रहा है ना द माइजर, सिर्फ और सिर्फ आपकी यादों में खोया हुआ है। आपकी यादों के सहारे ही इस पर्सन को ऐसा लगता है ज़िंदगी कट जाएगी। तो एक्शन लेने के मामले में ये बहुत ज़्यादा लेज़ी है, एक्शन नहीं ले पाएगा, पहले नहीं ले पाया, अब भी नहीं ले पाएगा। आज शाम भी ये अपने फ्रेंड से बैठकर यही बातें कर रहे थे कि ये सिर्फ और सिर्फ प्यार करते हैं, पाना भी चाहते हैं, बट कुछ कर पाने की इस पर्सन में करेज नहीं है कि ये कुछ कर सकें। अपने और आपके रिलेशनशिप को इस तरह टूटता हुआ बिखरता हुआ देख रहे हैं ये अपने सामने से ही, और कुछ नहीं कर पा रहे, असहाय महसूस कर रहे हैं खुद को। तो ये अपने फ्रेंड्स में बैठकर ये सारी ये बातें आज शाम कर रहे थे। ओके व्यूवर्स, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी, कुछ तो क्लैरिटी मिली होगी, कुछ तो रेजोनेट की होगी, और अगर थोड़ा भी रेजोनेट की है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर लें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे और आप अपनी पसंद की वीडियो सबसे पहले देख पाएँ। ओके, तो मैं मिलूँगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें।